भाई अभी हम लोग ना मेट्रो होटल पे पहुंचे हुए हैं और हम लोगों का फैन जल गया था, रिजवान भाई जला दिए थे, तो अभी न्यू फैन ले रहे हैं हम लोग, ये देखो। और सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये देखो गाइस, अभी हम लोग ना होटल मेट्रो पे रुके हुए थे रात को, और अभी यहाँ से हम लोग 11 बजे सो के उठे हैं और नहा धो के कपड़ा वपड़ा धुल के उसके बाद खाना पीना खा के आराम से अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये रहे हमारे रिजवान भाई, और आज गाड़ी सज्जन भाई चलाते हुए लेके आए हैं, वो देखो सामने बैठे हुए हैं, जो कि मतलब ये भी हमारे साथ में मुंबई तक जा रहे हैं, मुंबई से दूसरे गाड़ी पर जाएंगे। और अभी रिजवान भाई ना, ये देखो कपड़ा पड़ा सब रख रहे हैं, रिजवान भाई जाते ही कुछ मेहनत करते हैं, तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से। रिजवान भाई कुछ ज्यादा ही आज खा लिए हैं, इसीलिए रिजवान भाई गाड़ी नहीं चला रहे हैं और सज्जन भाई चला रहे हैं। क्या हाल है सज्जन भाई? लगा 5 किलो बढ़ा है, 5 किलो गाइस। मैं 58 किलो का था घर से जब आया था, 55 किलो के चप्पल मारा निकाल गए लेफ्ट कसम, 58 किलो का, 55 किलो, 58 किलो यार, क्यों हमारे सामने तो 58 किलो घर से आया था गाइस, 58 किलो था, 2 किलो बाढ़ गया, तो बोल रहा है 5 किलो बाढ़ आया, देख रहे हो, 8-9 किलो अभी वजन किया हूँ, 2 किलो मतलब बाढ़ा हूँ। तो रिजवान भाई बोल रहे हैं कि 55 किलो, देख रहे हो, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ टिंटना टिंट बाल मेरा आ गया गाइस, देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा हो गया, चुटकी में आ रहा इतना बड़ा बड़ा। तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से, अभी सज्जन भाई गाड़ी चलाएंगे, रिजवान भाई जा रहे हैं सोने। गाइस ये व्यू चेक करो, देख रहे हो क्या खतरनाक दिख रहा है यार, बहुत तेज से गिर रहा है वो, मतलब इतना तेज गिर रहा है क्या ही बताएं, मतलब इतना दूर है हम लोग से, वैसे आप फोन में तो साफ दिखेगा नहीं, और इधर से ऐसा दिख रहा है मतलब बहुत ही खास, बहुत ही खतरनाक, देख रहे हो। और रिजवान भाई यहाँ पर सो गए हैं, अभी रिजवान भाई रात भर सोए नहीं थे ना, इसी के वजह से सो गए, नींद आ रही, खाना खा के सीधा पर रिजवान भाई लेट गया। गाइस अभी हम लोग ना मेट्रो होटल पे पहुंचे हुए हैं और हम लोगों का फैन जल गया था, रिजवान भाई जला दिए थे, तो अभी न्यू फैन ले रहे हैं हम लोग, ये देखो। और मालूम है रिजवान भाई, अभी मैं गाड़ी से उतर, रिजवान भाई बोल रहे थे मैं नहीं लूँगा पंखा क्योंकि तू ही सबसे ज़्यादा यूज करता है, मैं बोला ठीक है मत लो, और जब मैं रिजवान भाई बोले चलो ले लेते हैं, मैं चलो बोला लो या मत लो, तो उतरा मैं गाड़ी से, रिजवान भाई देख लो बोल रहे हैं देखो कैसे उतर रहा है पंखे के नाम लेते समय, ये चेक करो, ये वो आदमी है जो मुझे रहने तो क्या ही बोले विवाद हो जाएगा, कितना बोल रहे हैं वो वाला, नहीं ठीक है वो ये देखो गाइस, ये छोटा है और ये बड़ा है, मैं बोला ये वाला ले लो ये ज्यादा बेटर रहेगा, बोल रहे हैं नहीं। मन धड़कत है, अभी टेस्ट होने जा रहा है गाइस, टेस्ट चला था
साढ़े पांच सौ डन बराबर कर दो, हो गया डन कर दो, होएगा। हाँ अभी देखो मेरा वस्ता 600 बोल दिया, अभी तो दे दो। तो 600 का पड़ा गाइस हम लोगों को फैन, तो अभी यहाँ पर बिल बन रहा है, ये देखो मैं वो तो रहेगा तो भी चलेगा ना। हाँ चलो कौन जीता दिया आज है 26 है, वही तो मैं बोल रहा था 25। तारीख दिखेगा, टेंशन मतलब ले रहे ब्लॉग में डाले था। 25 तारीख 7वां महीना 2024, 600 रुपये 3 महीना गारंटी, हो गया। अभी जाऊं तो चलो गाइस अभी चलते हैं, फैन वगैरह ले लिए हैं तो चलते हैं, अभी वो रही अपनी गाड़ी। गाइस अभी हम लोग वसई पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं, शाम हो चुका है, ये चेक करो। और ये रहे हमारे रहमान भाई, लाओ खाना, तो खाना हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी रोड पे खड़ी है भाई। क्या आज थोड़ी रुकना, 9 बज गया, हम लोग खा लेंगे अगर रास्ते में, अभी तुम खाना दो पहले। तो हम लोग आने से पहले रहमान भाई के पास कॉल कर देते हैं, खाना लेके रखे रखे रहो। क्या बोल रहे हो ए रिजवान भाई, बोले लेके आओ, ला दे भाई ला दे। तू भी अपने लिए लाया क्या? हाँ मोहम्मद भाई नहीं लाते तेरे खाना? तो रिजवान रहमान भाई को मैं आने से पहले ही बोल दिया था खाना लेके रख, और रहमान भाई लेके गाड़ी उनकी पहले पहुंच गई थी तो लेके रखे हुए हैं। हाँ पागल है, अंडर आइस है, तू बड़े का लाया क्या अपने लिए? ओ भाई मैं तो खाता नहीं गाइस। तो अभी खाना लेते हैं उसके बाद चलते हैं, बूंदी भी पड़ रही है हल्का हल्का, ये देखो बारिश। जाना है, जा रहा हूँ, सलाम अलैकुम, बंद कर ले गेट। और जवान भाई वहाँ खड़े हैं। तो ये रहा गाइस अपना खाना और चलते हैं, वो देखो गाड़ी उधर खड़ी है रोड पे। रहमान भाई मतलब कंजूर मार्ग से आ रहे थे ना, कचरा भरे हुए हैं गाड़ी में, तो वो उनसे मैं कॉल करके बोल दिया था खाना लेके रख, नहीं तो मेरे को जाना पड़ता यहाँ आधा घंटा रुक के जाना पड़ता खाना लेने, इसीलिए रहमान भाई से बोल दिया था। ये देख रहे हो नीचे देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। ये रही गाड़ी, ये चेक करो, देख रहे हो ये साइड से बेल्ट मारे हुए हैं हम लोग, इसीलिए मतलब वो हिल नहीं रहा है पलाई। ये लो पकड़ो, क्या हुआ? चलो ठीक है, गेट बंद करो। रहमान भाई बोल रहे थे इधर ही खा लो फिर जाओ, मैं बोला रिजवान भाई मेरे मुसलमानी कर देंगे फिर से। क्या बात है सज्जन भाई, बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है। तो चलते हैं गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जाम चेक कर रहे हैं रिजवान भाई, क्योंकि अभी हम लोग जाम बहुत ज्यादा झेल लिए थे बॉर्डर के पास। ये चेक करो, देख रहे हो पूरा लाल लाल। बॉर्डर के पास हम लोग इतना जाम झेले थे, जब रिजवान भाई सोए हुए थे आप लोगों ने देखा होगा आगे, रिजवान भाई सोए हुए थे तो जाम ही लगा था उसके, रिजवान भाई जब सोए थे उसके 10-15 मिनट बाद जाम लगा था, बहुत बुरा वाला। हम लोग झेले थे, रिजवान भाई तो सोए थे, इनको क्या पता। अभी इधर देखो घोड़ बंदर कितना जाम लगा हुआ, देख रहे हो 45 मिनट 11 मिनट
तो क्या बोलते हो यार भाई, जाम देख के आपका मूड कैसा लग रहा है? तो बताओ भाई, जाम मैं थोड़ी लगा रहा हूँ गाइस, जाम गाड़ी लग गया है तो इसमें मैं क्या करूँ बताओ। तो चलते हैं अभी हम लोग यहाँ से, सही से आगे वो सही से निकल रहे हैं और चलते हैं अभी आगे। अभी हम लोग ना ये देखो जाम में फंसे हुए हैं, देख रहे हो जाम लगा हुआ बहुत तगड़ा वाला, और हम लोग इधर ही खाना खा रहे। रिजवान भाई को चेक करो, ये मेरा ये सज्जन भाई हाँ। और अभी ये हम लोग देख रहे हो जाम में ही खाना खा रहे हैं, जाम आगे लगा हुआ, गाड़ी सब रुकी हुई है। ये देखो क्या बोल रहे हो रिजवान भाई, ज्यादा बोल देगा तो विवाद हो जाएगा। तो चलो गाइस हम लोग खाना खाते हैं फिर आगे निकलेंगे, जाम खुलेगा तो। अभी हम लोग ना थाने फेस्ट में चल रहे हैं और हम लोग को उड़न जाना है, पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, थोड़ी देर और बचा हुआ है। और मैं जा रहा हूँ सोने को ब्लॉग एडिट करने, तो सोचा इस ब्लॉग पे यहीं पर कर देते हैं एंड, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सीधा सो जाऊँगा। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।